बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। पुराने दिल्ली के घरों में बनने वाले खाने आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे यहाँ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है मिर्ज़ा बेगम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गज़ाला मिर्ज़ा और आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, आधा किलो पनीर लिया है मैंने, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ की प्याज और ये 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए और 2 दाने हरी इलायची के, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, सूखा नारियल ग्रेटेड और किशमिश के 10-15 दाने, 10-15 काजू के टुकड़े और 1 कप दूध लेंगे। पनीर के पीसेस कर लेंगे, पनीर के पीस अपने हिसाब से कर लीजिए जैसे आपको पसंद हो। पहले हम पानी बॉईल कर लेंगे, पानी बॉईल हो गया है हमारा, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, टमाटर ऐसे हल्के से कट लगा लें और इसको डाल दें। दो तीन मिनट ही बॉईल आने देंगे, बस ये ब्लांच हो जाएंगे टमाटर, फिर हम इसे निकाल लेंगे। अभी हम इसमें से निकाल लेंगे इसको, प्याज को अलग ग्राइंडर में डाल लेंगे, इसका हम पेस्ट अलग बनाएंगे प्याज का। अब गैस ऑन कर दी हमने, पैन में हम ऑयल डाल देंगे, तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है हमारा, तो अभी प्याज का पेस्ट अब हम इसमें डाल देंगे। प्याज डालकर इसको हम भून लेंगे। अभी टमाटर के छिलके हम रिमूव कर लेंगे। अब इसको भी हम ब्लेंडर में डाल देंगे, हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे, ये अदरक, कोकोनट पाउडर, ज़ीरा, ये इलायची, ये हल्दी, ये सब डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अभी हम हमारी प्याज अच्छी तरह से भुन गई है, अभी थोड़ी गोल्डन होना शुरू हो गई है, अब हम इसमें ये प्यूरी डाल देंगे। मीडियम हीट करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, ये भून गया है अच्छी तरह से। इसमें हम डाल देंगे पनीर, फ्लेम को तेज करके पकाएंगे थोड़ी देर। डालेंगे नमक, काजू डालेंगे, किशमिश डालेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे ये दूध। यहाँ मैं थोड़ी सी शुगर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है शाही पनीर, इसलिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिए। अब हम इसे
3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे ढककर पकाएंगे। अब 4 मिनट हो गए हैं, हमारा पनीर रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे सर्व कर लेंगे। अभी हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। डालेंगे हम इस पर काजू। ये मैं ज़रूर खा के आपको बताऊंगी कैसी बनी है। ये मेरी फेवरेट डिश है, मेरी मदर की रेसिपी है। बहुत डिफरेंट है, ऐसी शाही पनीर आपने नहीं खाया होगा, तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। उसके साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।